अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए हरे प्याज की सब्ज़ी लेकर आए हैं। ये एक सीजनल है, हर मौसम में तो ये मिलती नहीं है, तो ये बहुत ही टेस्टी भी लगती है। आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकती हैं। अगर आप इसे एक बार बनाएंगी तो आप दोबारा फिर से बनाना चाहेंगी। तो चलिए आज हम आपको बता देते हैं हरे प्याज की टेस्टी सब्ज़ी कैसे बनाई जाए। तो सबसे पहले हमने पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है, सरसों का हम यूज़ कर रहे हैं। अब ये अच्छे से हीट हो चुका है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून राई, और साथ ही हम 2 से 3 हमने सूखे लाल मिर्च लिए थे, हमने इसे कट कर लिया है। हाफ टी स्पून चॉप करी हुई गार्लिक, इसे हम अच्छे से सौते कर लेंगे। और यहाँ पर हमने हरे प्याज के वाइट पार्ट लिया है, हम इसे अच्छे से सौते करेंगे और ब्राउन होने तक अच्छे से हम फ्राई करेंगे। अब हमारी प्याज हल्की गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें कुछ मसाले भी ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। और यहाँ पर हमने 2 हरे मिर्च भी लिए हैं, इसे भी हमने बारीक चॉप कर लिया है, हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम हरी प्याज के पत्ते भी ऐड कर देंगे। ये बहुत ही जल्दी कुक हो जाती है और बहुत ही हेल्दी सब्जी है और बहुत ही टेस्टी बनती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। बस हम इसे 3 से 4 मिनट कुक करेंगे और ये कुक हो जाएगी। अब हमारी सब्जी अच्छे से कुक हो चुकी है। अब हम इसी स्टेज पे 2 टीस्पून बेसन ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करते रहेंगे ताकि लम्स ना पड़े। बेसन डालने से सब्जी का टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है, आप इसे एक बार ज़रूर ऐड करें। और हम बेसन हमने डाला है तो हम करीब 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे ताकि साथ में बेसन भी अच्छे से भून जाए और कच्चापन बिल्कुल ना रहे। अब हम इसमें 1 टीस्पून नींबू का रस ऐड करेंगे। वैसे तो ये ऑप्शनल है लेकिन आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, सब्ज़ी का टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और अगर आप नहीं खाती हैं तो एक बार इस तरीके से बना के ट्राई ज़रूर करें, आपको ये सब्ज़ी बहुत पसंद आने वाली है। हम बस सिर्फ 1/2 मिनट ही इसे अच्छे से कुक कर लेंगे क्योंकि हमने नींबू का रस ऐड किया है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर हम डिश आउट कर लेंगे। तो लीजिए, अब हमारी हरे प्याज की सब्ज़ी बनकर रेडी है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। आप चाहे तो चपाती साथ, पराठे साथ या बेसन की रोटी या किसी भी रोटी के साथ सर्व कर सकती हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, आप प्लीज़ इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।